कुशक नाले के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से अपनी गंभीरता दिखाई है और इस नाले के निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर किस एजेंसी को इसका निरीक्षण करना है, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये तय हो गया है कि किन किन एजेंसियों को कुशक नाले का निरीक्षण करना होगा और कब करना होगा। ये पूरा का पूरा जो हाईकोर्ट का जो नोटिस है ये पीडब्ल्यूडी को भेजा गया है, इसमें बाकायदा बताया गया है कि 6 जुलाई को जो है कुशक नाले का निरीक्षण किया जाएगा सुबह 11 बजे, और इसका निरीक्षण जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। साथ ही में उनके साथ जल बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे और उसके साथ ही जो साउथ दिल्ली MCD के कमिश्नर है वो भी जो है इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहकर कुशक नाले की हालात का जायज़ा लेकर अदालत को उसके बारे में अवगत कराएंगे। सर, ये जो आदेश आ गया है हाईकोर्ट का, ये अब साबित हो गया है कि अब इस नाले पर लोग बोलते थे कि एजेंसियाँ अलग अलग बोलती थी, मल्टीपल एजेंसियाँ, कि मेरा नाला नहीं है, मेरा नाला नहीं है, अब क्या उससे जो कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ? बिल्कुल, कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं था, ये मैनिपुलेशन थी PWD की तरफ से कि जी ये स्ट्रेच मेरा नहीं है और ये नहीं है। उस दिन कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि 500 मीटर या 2 किलोमीटर जो आप कहते हो कि सैलरी किस बात की लेते हो, आप सैलरी पूरी साल लेते हो और 500 मीटर सफाई करोगे आप? तो हमने टेकिंग ओवर नोट दिखाया कोर्ट के अंदर जो PWD ने MCD को लिखा था। ये पूरा नाला इस टाइम जो इसकी मलकियत है वो PWD की है और सफाई का पूरा जिम्मा वो टेकिंग ओवर नोट के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा नाला वो ही साफ़ करेंगे। मैं मंजीत जी के बारे में बता दूं, मंजीत जी इस पूरे मामले की याचिका करता है जिनकी याचिका से कुशक नाले का पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। तो अब जो निरीक्षण होना है उससे आपको क्या उम्मीद लग रहा है, क्या लग रहा है कि जो दोषी अधिकारी है उन पर गाज गिरेगी? दोषी अधिकारियों पर तो गाज गिरनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जब तक सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 साल पुराना मलबा 4 दिन में तो साफ़ हो नहीं सकता। जब तक लायबिलिटी या जिम्मेवारी तय नहीं होगी तब तक ये सफाई नहीं हो पाएगी। बाकी कल के ऊपर देखते हैं कि कल क्या होता है और अपना 6 तारीख को उसके बाद कोर्ट क्या डिसाइड करती है। हमारे हिसाब से तो जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पहले भी 2 बार इनको डायरेक्शन दी है और इनको वार्निंग दी है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, वो जब तक एक बार जेल नहीं जाएंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और ये एक मैसेज जाएगा आगे के लिए कि आप कमिटमेंट कर देते हैं और 360 दिन AC की हवा खाते हैं ऑफिस में और 5 दिन काम करते हैं। सर, अब तक कोर्ट ने ये रिपोर्ट पेश करने को कहा है इन अधिकारियों को? जिस दिन इंस्पेक्शन होगा उससे 3 दिन बाद तक, और अगली डेट 12 तारीख की तय हो रखी है। तो उस रिपोर्ट पर 12 तारीख पर हाईकोर्ट अपना फैसला ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, और उसी दिन इसमें सिर्फ सफाई के साथ साथ कंटेम्प्ट का भी केस है जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के ऊपर हमने फाइल किया हुआ है। उस दिन 2 केसों की डेट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है उस दिन, और चाहेंगे कि कोर्ट बहुत अच्छा फैसला ले। तो बिल्कुल, कुशक नाले के निरीक्षण के आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिए है, 6 तारीख को निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के 3 बाद इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो संबंधित अधिकारी है वो हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट जो दोषी अधिकारी हैं उनको लेकर एक सख्त फैसला सुना सकता है। कैमरामैन अजीत के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।